समाजवादी तो केवल बोल ही रही है, करने का कुछ है नहीं, खाली कागज में रोड बनता है। अखिलेश यादव के 5 साल में 500 दंगे हुए, वो एक भी बार नहीं कहेंगे कि मेरे सरकार में दंगे हुए। अखिलेश उंगली दूसरे पे बहुत उठाएंगे, अपने लिए अपने खानदान के लिए बात तो करवे करेंगे, उनके खानदान का निजी विकास होगा। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद लगातार हमारी कवरेज चल रही है और ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखेगी। इसी कड़ी में इस समय हम मौजूद हैं देवरिया में। देवरिया का रामपुर विधानसभा है और रामपुर विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय यहां से भाजपा विधायक कमलेश शुक्ला हैं। अब ऐसे में ये सवाल कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और रामपुर से इस बार विधानसभा में कौन पहुंचेगा। तो चलते हैं यहाँ पे सीधे जनता के बीच में, यहाँ पे कुछ जनता है और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि रामपुर में कितना विकास हुआ है और ये विकास क्या विधायक कमलेश शुक्ला को फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी या नहीं। सीधे जनता के पास चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रतन पांडे है। अच्छा, ये बताइए कितना विकास हुआ है रामपुर कारखाना में? पहले तो आप हमको लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं से अगर तुलना करिए तो इतना सहज सरल और सरल स्वभाव के जो माननीय विधायक जी के जो लड़के हैं डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बाद भी जितना प्लैटली से जनता की समस्याओं को दूर करते हैं और जो विकास की बात आप करते हैं, विकास की ही देन है कि यहाँ से जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख वो जिताए। और कोई भी रोड देखिए, बिजली देखिए, आवास देखिए, इतने ज़्यादा आवास जो है बने हैं लोगों के, शहर से लेके गांव तक सारी रोड पे काम चल रहा है। आज के डेट में यहाँ पे बहुत विकास किया है उन्होंने और सबसे बड़ी बात कि उनके पिताजी के अस्वस्थ होने के बाद भी वो जनता के बीच में बने रहे और जनता के एक एक समस्याओं को सुन करके उसका निराकरण करने का काम डॉक्टर संजीव शुक्ला जी ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, ये बताइए अगर हम राज्य स्तर पे पहुंचे, योगी आदित्यनाथ के काम पे पहुंचे, तो 5 सालों में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा लगा आपको? बहुत बहुत शानदार रहा है। माननीय योगी जी ने जो काम किया है वो आज तक सपा बसपा कांग्रेस ये मिल करके इतना राज किए लेकिन आज तक वो विकास नहीं हुआ इतना काम जितना 5 साल में। आप देखिए गोरखपुर में फर्टिलाइजर का काम शुरू हो गया, एम्स चालू हो गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। हम लोग अपने आंखों से कितने हजारों लोगों को देवरिया से गोरखपुर जाते हुए मेडिकल कॉलेज जाते हुए रास्ते में ही हम लोग दम तोड़ते हुए हमने देखा है। आज देवरिया का मेडिकल कॉलेज आज फंक्शनिंग है। तो इनके काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और अपने काम के ही विकास के ही दम पे योगी जी फिर 2022 में चुनाव सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे इस बार। अखिलेश जी के केवल बोलने के सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया उनके पास, केवल बोलना ही एक मुद्दा है। वो तो योगी जी के सारे कामों को वो अपना काम बता देते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बना जो है मोदी जी के सौजन्य से, वो भी कह रहे हैं कि वो मेरी योजना है। मैं गया था, मैं बाबा विश्वनाथ जी का मैं दर्शन किया और जितना हमको खुशी मिली, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है वहाँ पे मंदिर जितना स्पेस और जितना खूबसूरत बना है वो देखने लायक बना है। मतलब ये कल्पना नहीं की जा सकती कि उतना खूबसूरत बाबा विश्वनाथ जी की मंदिर का वो उतना सुंदरीकरण होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? विजय कुमार हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरी पत्नी है। अच्छा, बताइए विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। विकास तो जितना हुआ है, पहले तो लाइल पार्क करौदी मार्ग डॉक्टर संजीव शुक्ला का देन है विधायक जी का कि वो लाइल पार्क करौदी मार्ग 2 लेन में पास हुआ। पहले सिंगल रोड थी, फिर लंगड़ा चौराहे से धूसवा चौराहे तक 2 लेन हुआ है, फिर धूसवा चौराहे से लेकर सरौरा तक 2 लेन हुआ है। उन्होंने बहुत काम किया है और हम लोगों के चुनाव में कोरोना काल में हर गांव में उन्होंने घूमा है। उन्हीं के दिन से हम भी जिला पंचायत सदस्य हैं। एक अशोक सिंह हैं, मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ, अशोक सिंह हैं, उसके बाद उपेंद्र तिवारी हैं, उन्हीं की छवि पे हम लोग जीते हुए हैं और जिले में सबसे ज्यादा सदस्य उन्हीं के विधानसभा में जीते हुए हैं जिला पंचायत के, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि आप राजनेता इंसान हैं लेकिन फिर भी आपसे एक क्वेश्चन मेरा कि
बसपा कांग्रेस और सपा का क्या स्थिति है आपकी क्षेत्र? बसपा और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है इस बार। समाजवादी का? समाजवादी तो केवल बोल ही रही है, करने का कुछ है नहीं, खाली कागज में रोड बनता है। वही जो लाइल पर करौदी मार्ग डॉक्टर साहब ने जो बनवाया है, विधायक जी ने, वो गजला के समय बना प्रधानमंत्री से, और एक तरफ से बना उसी की एक तरफ से बनता जा रहा था, एक तरफ से खत्म होते जा रहा था रोड। उस रोड को आज बन गया है तो पूरी जनता उधर की खुश है, हमारे तरफ की वार्ड नंबर 12 जो भी उस रोड से जा रहा है तो आज विधायक जी का नाम ले रहा है। हर गांव में विधायक जी ने काम किया है। कोरोना काल में विधायक जी के अस्वस्थ होने के बावजूद भी डॉक्टर साहब पूरा कोरोना काल में जमे रहे, गरीबों का मदद किए, हॉस्पिटल ले जाना, उनको राशन पानी देना, सारा उन्होंने काम किया है। ऐसे विधायक को फिर दोबारा आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, कुछ जगहों पे गए हैं, तो विधायक जी की शिकायतें हमने बड़ी सुनी। देखिए, जो पद पे रहता है उनकी शिकायत होती रहती है, विरोधी जो भी कह रहा है कहते रहेंगे, वो तो हटाने वाली चीज नहीं है। वो आप अच्छा करेंगे तब भी कहेगी, और बुरा करेंगे तब भी कहेगी। तो विरोधी का हमारा कोई मतलब नहीं है। इस बार हम लोग 300 से ज्यादा सीट पाएंगे, सरकार मेरी बन रही है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से चुकी आप ताल्लुक रखते हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बिछड़ के चले जा रहे हैं समाजवादी में, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो दलित लोग हैं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी सुनी नहीं जाती। हम तो दलित के हैं, पिछड़ी जात के हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं पिछड़ी जात के रहते हैं, मैं दलित हूँ, और जो भाग रहे हैं वो उन लोगों का अपने दल में कभी अस्थिर रहे नहीं है। वो भी तो अगले बार भाग ही आए थे, इस बार भाग के उसी तरह जाना है उन लोगों को। वो जान रहे हैं कि मेरा इसमें दाल गलने वाला नहीं है। आए भ्रष्ट विधायक का भ्रष्ट कोई भी हो उसको पार्टी रखेगी नहीं। हाँ, वो कहीं भी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं हमारे बीच में। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम प्रीतम गुप्ता है, धनौती कला मेरा घर है। अच्छा, क्या माहौल है क्षेत्र का? माहौल बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब जब चुनाव लड़ेंगे तो 300+ पार रहेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चुनाव जीतेंगे जी। और डॉक्टर साहब, माननीय विधायक कमलेश शुक्ला जी जब विधायक बने, उसके एक साल बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, परिवार में आपत्तिजनक उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, लेकिन भैया लगातार डॉक्टर संजीव शुक्ला 2017 से लेकर 2021 वर्तमान 22 तक लगातार क्षेत्र में बने रहे और लोगों की मदद की, गरीब, असहाय, विकलांग, पेंशन, तमाम तरीकों से भैया मदद किया, और क्षेत्र में लगातार भैया बने रहे, हर लोगों की मदद किए। अच्छा, ये अगर राज्य स्तर पे बात की, राज्य स्तर पे कैसा कार्यकाल रहा? बहुत शानदार रहा, भैया के कार्यकाल की जितनी सराहना की जाए बहुत ही अच्छी बात है। आपकी पार्टी से नेता बड़ी छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी में, कह रहे हैं लोग आपकी पार्टी में जो दलित लोग हैं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ दलित पिछड़ी लोगों का ही इसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व रहता है, लोगों की मदद होती है, सभी लोगों का काम होता है, यही लोग लगे रहते हैं, और सरकार इनकी मदद करती है, और हमारे क्षेत्र के विधायक जो उनकी मदद करते हैं और इनके लिए लगातार लगे रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों की मदद होती है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी दलित गरीबों की ही तो सरकार है, ये काम करती है, अपना काम के अनुसार लोगों को जोड़ती है। क्या नाम भी आपका? अवधेश गुप्ता। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन महंगाई बहुत चरम सीमा पर। महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। वोट किसको दिया जाएगा इस बार? भैया जो महंगाई घटाएगा उसको दिया जाएगा। अभी तो किससे है, कौन घटाएगा? हाँ, उम्मीद किससे है, कौन घटाएगा? समाजवादी पार्टी घटाएगी। समाजवादी घटाएगी? हाँ भैया, कह रहे हैं समाजवादी घटाएगी। समाजवादी तो कभी नहीं घटा सकती है। इस समय जो स्थिति चल रही है देश की, हर घर में फ्री राशन, हर आदमी को वैक्सीन लग रहा है, आज ये समाजवादी पार्टी होती तो यहाँ लाशों की कोई गिनती नहीं होती, कितने लाश बिछी हुई हैं। ये हमारी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की, इसका देन है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं। अगर एक एक घर में अगर 8 व्यक्ति हैं तो 8 लोगों को वैक्सीन लगाए, चीन का नहीं लगा है कि ये पार्टी का वैक्सीन है और ये मोदी जी का वैक्सीन है, सबको लगा है, चाहे यादव हो, मुस्लिम हो, चाहे अनुसूचित हो, हम तो एक अनुसूचित कास्ट के हैं, बिलोंग करते हैं, और इस समय जितने अनुसूचित के लोग हैं सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे, महंगाई नहीं है। कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप कह रहे हैं महंगाई है। नहीं है, सरसों का तेल देख लीजिए 180-190 रुपए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने पीने वाला आइटम देख लीजिए। गरीब भाजपा से वो शिकायत रहेगी। देखिए, आज महंगाई रहती तो बाइक जितनी मिल रही है, जितनी बिक रही है रोज, आप देख लीजिए उठा के एजेंसी से कि कितनी बाइकें बिक रही हैं, और तेल का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
और गाड़ी के लिए अगर हम चरपहिया खरीद रहे हैं, पहले परेशानी थी, इस समय वेटिंग में चरपहिया पड़ी हुई है, छः छः महीना, दो दो महीना, एक एक महीना, बताइए महंगाई कहाँ बढ़ गई है? कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, हर जगह पे इस समय वेटिंग में लगी हुई है, आप महंगाई बता रहे हैं। महंगाई गरीबों से पूछा जाए, गरीबों से पूछा जाए कि महंगाई क्या है, जो नहीं कमा रहे हैं। चलिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर सही में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवालिया निशान इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से अगर थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश कर लेती है तो इस बार का विधानसभा चुनाव जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग जो इस समय राशन कार्ड के द्वारा जो लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसको भी लेकर चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश तो हैं लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लगातार। कुछ और लोग हैं, चलते हैं वहाँ तक। क्या नाम दिया आपका? सत्यप्रकाश पांडे, रिंकू। अच्छा, क्या माहौल है क्षेत्र में? माहौल ठीक है। कौन की बार? भाजपा, सपा, फिर भाजपा। किन मुद्दों के साथ वोट दिया जाएगा इस बार? विकास के मुद्दों पर दिया जाएगा, विकास हुआ है। अखिलेश यादव बड़ी सवारियां निशान खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गोरखपुर में जाने के कानपुर के व्यापारी को मार दिया जाता है, तो इसमें भी गुंडा राज बढ़ गया। अखिलेश यादव तो बोलेंगे, अखिलेश यादव कैराना का नहीं बताएंगे कि वो थे तो कैराना में क्या हुआ। अखिलेश यादव के 5 साल में 500 दंगे हुए, वो एक भी बार नहीं कहेंगे कि मेरे सरकार में दंगे हुए। अखिलेश उंगली दूसरे पे बहुत उठाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ की स्थिति कांग्रेस की और बसपा की देखी जाए तो वो क्या है? कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल शून्य है और बसपा मतलब लड़ाई में नहीं रहेगी। हाँ, लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ इस बार प्रियंका आ रही है, कुछ स्थिति? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई असर नहीं है कांग्रेस का। हाँ, बिल्कुल नहीं है। उन्नाव एक क्षेत्र लगता है, उन्नाव से कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा विधायक हुआ करते थे, वहां से जो लड़की पीड़ित थी उनकी माता को टिकट दिया है कांग्रेस और कह रहा है कि इस बार हम लड़कियों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। वो कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति है, उसको मोहरा बना के समाज में खड़ा किया जा रहा है और वो मामला कोर्ट में है, न्यायालय में चल रहा है, जो दोषी है उनको सजा मिली भी है और भी मिलेगी, लेकिन उस मामले से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, रामपुर में कितना विकास हुआ है? रामपुर में, रामपुर के विधायक की सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले बेचारे वो एक साल के अंदर ही बीमार पड़ गए विधायक जी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके लड़के, उनके प्रतिनिधि डॉक्टर संजीव शुक्ला जी ने लोगों को ये कमी महसूस नहीं होने दिया कि विधायक जी बीमार हैं, अचलस्थ हो गए। उनकी नामौजूदगी में भी इन्होंने खूब बढ़िया विकास किया, खूब अच्छा काम किया, अपने लोगों को साथ लेकर चले और विकास जितना भी उनसे बन सकता था, हो सकता था, उन्होंने भरपूर किया। हाँ, चलिए कुछ और लोग हैं, चलते हैं वहाँ पे। क्या नाम भी आपका? चतेंद्र चौबे। क्या माहौल है क्षेत्र में इस बार? शानदार माहौल है, भाजपा के, भाजपा की लहर है, लहर है। तो क्या फिर से कमल खिलेगा? खिलेगा। अखिलेश यादव 400 सीट जीतने की बात करें, कह रहे हैं इस बार साइकिल बहुत रफ्तार के साथ चल रही है। अरे बोलेंगे, अब पार्टी बनाया है समाजवादी पार्टी, उनका निजी पार्टी है तो क्यों नहीं बोलेंगे, उनका पर्सनल पार्टी है वो, तो अपने अपने लिए, अपने खानदान के लिए बात तो करबे करेंगे, उनके खानदान का निजी विकास होगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी आरोप लगा था समाजवादी पे। चलते हैं, कुछ और लोग हैं मेरे पीछे। क्या नाम है आपका? हमारा महाराज, हमारा सत्यनपाल सिंह नाम। अच्छा, क्या माहौल है क्षेत्र में? भाजपा का माहौल ठीक बटे, भाजपा का माहौल ठीक बा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर से यहाँ योगी? योगी फिर से यहाँ? हाँ, अच्छा कर मन को, लेकिन ये बात जनता बनी धान में खरीदारी सही नहीं के चल रहा। हाँ, ये कबड़ी बात। अच्छा, ये बताइए, 400 सीट जीतने की बात करते ना अखिलेश यादव, ठीक, समाज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारा नेता लोग शामिल होता है इस समय समाजवादी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएंगे वही? नहीं नहीं, कुछ। अच्छा, 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। पहले का रोल बने, अब नहीं की? अब नहीं है? नहीं। एक चीज सुने हैं हम, चूंकि आप नेता हैं और लोग कहते हैं जब गांव में हम लोग जाते हैं तो ब्लॉक प्रमुख लोग बड़ा पैसा लूट के रखे ला। हाँ, लूटे ला लू। हाँ, आप कितना लूटे हैं ये बताइए जरा। महाराज क्यों पैसा लूट भाई प्रमुख से? जो पैसा लगा ले तो निकलबे नहीं करी। नहीं, बड़ा सवालिया निशान खड़ा होते हैं नेताओं पे। कहते हैं लोग कि जो प्रधान है वो नाली से पैसा बचा लेते हैं, रोडों से पैसा बचा लेते हैं, प्रमुखों पे भी ऐसा सवाल खड़ा होते हैं। नहीं नहीं, पैसा नहीं की बचा पावल नहीं, चूंकि आप पूर्व रहे हैं इसीलिए पूछी जा रही है, मौजूदा समय के लोगों से पूछा भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बचा पावला? अब जैसे धन पशु मर लड़ा था मालिक खर्चा करता, दूसरा बात क्यों निकाल?
मेन मुद्दे पे आते हैं इस बार, फिर भाजपा क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए कुछ और लोग तक चलते हैं, यहाँ पे चाय की दुकान है, लोग पकौड़िया खा रहे हैं, सुबह सुबह का समय है। क्या नाम है चाचा आपका? रविंदर यादव। अच्छा रविंदर जी, माहौल किस तरफ है इस बार, भाजपा सपा? सपा में, सपा में। किन मुद्दों के साथ वोट दिया जाएगा इस बार? किन मुद्दों को क्या सोच के वोट दिया जाएगी? सोच के सब समाचार ये देता लोग कि सब चीज सबके सुविधा मिला था, तो ऐसे बढ़ के का चाहे? तो जब सब कुछ मिला था तब कहा समाजवादी को वोट दिया? भाजपा की सरकार बात, भाजपा के कहा नहीं दिया? तो भाजपा के ने दिया यही। हाँ भाजपा के दिया ही। पहले समाजवादी का ही लो भाजपा। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उन लोगों से बातचीत करने की। क्या नाम है भी आपका? जितेंद्र तिवारी। माहौल क्या है क्षेत्र में इस बार, किसके तरफ? योगी की सरकार बनेगी, योगी से बढ़िया कोई नहीं है। योगी जी अच्छे काम किए हैं, गोरखपुर जाने के बाद मालूम पड़ा है स्वर्ग दिखाई दे रहा है, पूर्वांचल बढ़िया बनेगा। अब तो गोरखपुर से आ रहे हैं योगी जी चुनाव भी लड़ने। ठीक है, जीतेंगे, सरकार बनेगी। सरकार बनेगी फिर से इस बार बनेगी। तो ये देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता है, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत किया, मिला जुला लोगों का रुझान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सपा सरकार बनाएगी। मौजूदा विधानसभा चुनाव में जब हम कई जिलों में जा रहे हैं, जिलों में जाके हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय, बेरोजगारी और महंगाई, महंगाई और बेरोजगारी पे सवालिया निशान हो रहा है। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करेगी और किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।